बनकुलपुरा में जो उपद्रव हुआ था उसमें एक युवक की डेड बॉडी मिली थी प्रकाश नाम की, जिसको अगले दिन हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम के बाद में और बाकी चीज़ें प्राप्त होने के बाद में पता लगा कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। इस मामले में हमारे द्वारा जब युवक की शिनाख्त हो गई और शिनाख्त होने के बाद में जब उसका एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि ये युवक जो है ये बिहार का रहने वाला है और ये हल्द्वानी में उस दिन किसी से मिलने आया था। बाकी ज़्यादा सर्विलांस करने पर ये पता लगा कि ये सितारगंज में किसी व्यक्ति के संपर्क में था और उस व्यक्ति ने इसको हल्द्वानी बुलाया। हल्द्वानी बुलाने के बाद में वहाँ पर इसके साथ में दो व्यक्ति और थे और इन लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेके झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद में ये जो व्यक्ति है इसकी गोलापार में ले जाकर हत्या कर दी गई है। इस सारे घटनाक्रम में एक हत्या करने वाला जो अभियुक्त है उनमें से एक जो अभियुक्त है वो पुलिस का सिपाही है और जो ये अभियुक्त मृतक है इसका और जो पुलिस के सिपाही है जो अभियुक्त है उसकी पत्नी के संबंध होने के कारण और मृतक द्वारा जो सिपाही है उसकी पत्नी को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में वो उससे नाराज़ था। उसने अपनी बीवी से फ़ोन करवा कर उसको यहाँ बुलवाया, मिले, उसको किसी बहाने से अपने साथ में तैयार किया और गोलापार में ले जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस सारे घटनाक्रम में जो अभियुक्त हमारा कांस्टेबल उसका साला, एक इसका दोस्त, इसकी बीवी और एक इसके साले का दोस्त, ये पांचों लोग शामिल है। चार लोग जो हैं वो हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी बीवी जो है अभी फरार चल रही है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी अभियुक्तों के कब्जे से जिस पिस्टल से गोली मारकर हत्या की गई है वो पिस्टल बरामद कर ली गई है। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि बनफुलपुरा उपद्रव में हुई जो मृत्यु है उसमें से कुछ मृत्यु शायद पुलिस फायरिंग और किसी और के द्वारा किए गए हत्या का परिणाम नहीं है। ये पर्सनल एनिमिटी का मामला है, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी प्रेस में। जी सर, तो इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो ये जो प्रकाश है इसका बनफूलपुरा में वो उपद्रव से और वहाँ पे जो भी पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे इसका कोई भी संबंध नहीं है। इसमें जो इसकी वाइफ है उसकी हम तलाशी कर रहे हैं और जल्दी ही उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। सर फिलहाल जो और उपद्रवियों में क्या गिरफ्तारी कितनी हो चुकी है अभी तक? पांच सौ के अलावा जो बनफूलपुरा वाले मामले में जो तीन एफआईआर हुई है उनमें से दो एफआईआर में